हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितिका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, चाहे अपनी किताब खोलो चाहे यहीं से पढ़ लो, दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर के कंसिस्ट हुआ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारा वो एंटीरियर ओपनिंग, ठीक है, जो माउथ हमारा होता है उससे बिगिन होता है, फिर उसके बाद में पोस्टीरियर साइड पे ओपन होता है एनस के थ्रू। इतनी बात समझ में आ गई। जो माउथ हमारा है वो बकल कैविटी की तरफ लीड करेगा, और बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। जो ओरल कैविटी है उसके पास नंबर ऑफ टीथ है, मतलब बहुत सारे दांत है, और एक उसके पास एक मस्कुलर टंग है जो कि पूरी फ्री है, कहीं पर भी मूव कर सकती है। ठीक है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है, जो हमारा जबड़ा है, जॉ माने जबड़ा, तो हमारा वो जो जबड़ा है उससे हमारा हर एक दांत जुड़ा हुआ है, और उस हम अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, वो जो जुड़ा हुआ है सॉकेट, मतलब जो जबड़ा दांत है हमारा उस सॉकेट ऑफ जॉ बोन में जो जुड़ा हुआ है उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं थीकोडोंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब जो मैमल्स की जो मेजॉरिटी होती है ह्यूमन बींग्स को मिला करके। ठीक है, तो अगर जो देखा जाए तो इनके पास में टीथ के दो सेट होते हैं। ठीक है, इनके पास टीथ के दो सेट होते हैं। पहले कौन से होते हैं? पहले जो होते हैं वो हमारे होते हैं टेम्परेरी मिल्क। ठीक है, पहला जो होता है वो बोलते हैं ना कि दूध के दांत निकल आए। ठीक है, दूध के दांत गिर गए। ये जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं जो कि हमारे दूध के दांत होते हैं, इनको हम डिशीजियस टीथ भी बोलते हैं। तो जो टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी मिल्क और डिशीजियस टीथ जो हमारे होते हैं, ये रिप्लेस काहे से हो जाते हैं, परमानेंट या एडल्ट टीथ से। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। इस तरह के डेंटिशन को हम क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। अब बात करेंगे एन एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ, मतलब जो एक ह्यूमन होता है, जो एडल्ट होता है, उसके 32 परमानेंट टीथ होते हैं। किसी किसी के आ जाते हैं, किसी किसी के नहीं भी आते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो 32 परमानेंट टीथ ही माना जाएगा। ठीक है, होता है किसी किसी के होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर में होते हैं, लेकिन किसी किसी के में नहीं होते। ठीक है, जिनमें से जो चार टाइप के दांत होते हैं इंसान के पास में, तो यहाँ पे लिखा है हेटरोडोंट डेंटिशन, मतलब होमोडोंट का मतलब होता है, होमो का मतलब हो गया सेम। ठीक है, होमो का मतलब हो गया सेम, और डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब हो गया टीथ की बात हो रही है। ठीक है, तो होमोडोंट का मतलब हो गया सेम टीथ। ठीक है, जिसके पास एक ही जैसे दांत हो, मतलब इंसीजरी हो या कैनिनीज हो या प्री मोलर हो या मोलर ही हो, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे होमोडोंट। ठीक है, लेकिन ऐसा हम हेटरोडोंट में नहीं करते हैं, ना ही ऐसा ह्यूमन्स में होता है। ह्यूमन्स में दांत कौन से होते हैं? हेटरोडोंट। तो हेटरोडोंट अगर जो होते हैं, तो हेटरो का मतलब क्या होता है? हेटरो का मतलब होता है, हेटरो का मतलब हो गया डिफरेंट। ठीक है, हेटरो का मतलब है डिफरेंट। इतनी बात समझ में आई। तो डिफरेंट की यहाँ पे बात अगर जो करी जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इंसीजर भी होगा, कैनिनिन भी होगा, प्रीमोलर भी होगा, मोलर भी होगा, मतलब चार तरह की है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तभी यहाँ पे वर्ड आता है ह्यूमन्स के लिए हेटरोडेंटेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉइंट द ऑर्डर ICPM, मतलब जो हम ये इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलर और मोलर का जो फॉर्मूला है, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हैं, ICPM, मतलब इंसीजर, कैनिनीज, प्रीमोलर और मोलर। इतनी बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद में आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो वो होता है 2-1-2-3 / 2-1-2-3, मतलब 2 इंसीजर होंगे, 1 कैनिनीज होगा, फिर 2 प्रीमोलर होंगे, फिर 3 मोलर टीथ होंगे। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला है, ये ह्यूमन डेंटल का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे जो हार्ड चीविंग सरफेस होता है टीथ का, वो इनेमल का बना हुआ होता है, जो कि फूड को चबाने में मदद करता है, मतलब मैस्टिकेशन, फूड मतलब फूड की जो मैस्टिकेशन होती है उसको करने में हेल्प करता है, मतलब चबाने में मदद करता है। इतनी बात क्लियर होगी। टंग जो होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि हमारी ओरल कैविटी से अटैच होता है।
बाय द फ्रेनेलम। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ रही है। बात करेंगे जो अपर सरफेस होता है टंग का, उसके पास में छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम पैपली बोलते हैं, ठीक है। और कुछ पैपली के पास में टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है, जिससे हम ये चीज पता कर पाते हैं ना कि कि क्या खट्टा है क्या मीठा है, तो वो टेस्ट बर्ड से ही हमको पता चलता है। आगे की एनसीईआरटी की लाइंस इसी टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।